इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सच ना वड्याई विचार
संसार सुख ना नाम बिन डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन संसार सुख ना नाम बिन डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन तन तन हो सी चार तन तन हो सी चार जाने कोई जन डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन संसार सुख ना नाम बिन डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन तन तन हो सी चार तन तन हो सी चार जाने कोई जन डिठा सब संसार सुख ना नाम
सा सब संसार सुख नाम भिन्न। सब संसार सुख नाम भिन्न, इट्ठा सब संसार सुख नाम भिन्न। तन तन हो सीचार, तन तन हो सीचार, जाने कोई जन, इट्ठा सब संसार सुख नाम भिन्न, सब संसार सुख नाम भिन्न। तन तन हो सीचार, तन तन हो सीचार, जाने कोई जन, इट्ठा सब संसार सुख नाम भिन्न, इट्ठा सब संसार सुख नाम भिन्न, इट्ठा सब संसार सुख नाम भिन्न। से बोलिए धन गुरु नानक, कब हूं तुरे तुरंग नचावे। कईयों के पास ऐसे घोड़े हैं, आज के जमाने में गाड़ियां हैं ना, उस जमाने में घोड़े हुआ करते थे, वो गाड़ियों के बराबर होते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कब हूं तुरे तुरंग नचावे। किसी किसी के पास तो ऐसे सुंदर घोड़े, जब वो चलते ऐसे लगते हैं नाच रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वहां वो इतने धनवान है कि महंगे से महंगे घोड़े रख सकते हैं। कुछ ऐसे हैं कब हूँ पाए पनियो ना पावे, के पाँव में डालने के लिए चप्पल तक नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नंगे पाँव चलना पड़ता है उन्हें। एक बार एक घटना याद आ गई, शेख सादी, एक घटना शेख सादी जी अपनी किताब में लिखते हैं, बड़ी प्यारी घटना है। शेख सादी जी की ना कई घटनाएं आती हैं जीवन की, उन्होंने हर पहलू पर अपने मन की अवस्था का बयान किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कैसे निंदा से बचना है, कैसे क्या करना है, हर पहलू पर उन्होंने अपना विचार रखा है। निंदा करते क्या, पहले हमने शेख सादी जी की ये घटना भी सुनी ना, निंदा के ऊपर भी पहलू आया था। शेख सादी जी रेतीला इलाका है, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दोपहर की गर्मी है, मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं, पाँव में चप्पल नहीं, चला नहीं जा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इतनी गरीबी है कि पाँव में चप्पल नहीं, खरीदने के पैसे नहीं, पर कमाई बहुत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बंदगी बहुत है शेषा जी, कभी शिकायत नहीं की खुदा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,
आज जब गर्म धूप में रेत में पांव रखने मुश्किल हो रहे हैं, तेजी से चलकर जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, देखा एक सेठ आया घोड़े पर, साथ में छाता भी है हाथ में कि धूप ना लगे, पांव में कढ़ाई वाले तीले की जूती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और ऊपर से घोड़े पर भी सवार है, आराम से जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक धनवान सेठ, शेख सादी रुक गया वहां पे, ऊपर देखा, खुदा से शिकायत करनी शुरू कर दी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता या खुदा इतना भेदभाव, तेरा भगत, तेरा मुरीद हूं, तू मुझे प्यार करता है, मैं घोड़ी नहीं मांगता, मैं छाता नहीं मांगता, कम से कम एक चप्पल के लिए पैसे तो दे दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे अच्छा लगता है कि मैं बिना चप्पल के नंगे पांव गर्म रेत पे चल रहा हूँ, और वो छाता लेकर बढ़िया जूते पहनकर जा रहा है, वो भी घोड़े पे चढ़कर, जूते की जरूरत भी नहीं उसे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी उदास हो गया और रुक गया रास्ते में, मस्जिद की तरफ बढ़ नहीं रहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी वक्त खुदा ने दिखा दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसकी पुकार सुन ली। एक आदमी देखा जो ये कहते हुए जा रहे हैं, या खुदा तेरा शुक्र है, या खुदा तेरा शुक्र है, और तेजी से चल कर जा रहे हैं, और शेख सादी देखकर हैरान हो गया कि उसके दोनों पांव ही नहीं है, हाथों से घिसट घिसट कर तेजी से मस्जिद की तरफ बढ़ रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी हैरान हुआ, उसके तरफ देखा कि इसके तो पांव ही नहीं है, दोनों शुक्र किस बात का कर रहा है। शेख सादी भी तेजी से चल पड़ा, मस्जिद में मिले दोनों। शेख सादी कहने का, एक बात बता, भगवान ने तुझे दोनों पांव नहीं दिए, किस बात का शुक्राना कर रहा है खुदा का तू? कहते हुए चल रहा है कि खुदा तेरा शुक्र है, या खुदा तेरा शुक्र है, किस बात का शुक्र, तुझे तो दो पांव नहीं दिए उसने। वो कहने लगा, शेख सादी उस खुदा ने मुझे दो पांव नहीं दिए, मैंने उसका क्या बिगाड़ लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मुझे वो दो हाथ भी ना देता, मैं उसका क्या बिगाड़ लेता, शुक्र है उसने मुझे दो हाथ दिए जिससे मैं घिसट के चल तो सकता हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी की आंखों में आंसू आ गए कि मैं चप्पल के लिए शिकायत कर रहा हूँ, इसके दो पांव नहीं है, ये शुक्राना कर रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर तृप्ति नहीं आनी तो चाहे 100 घोड़े हों, 100 छाते हों, 100 चप्पले हों, नहीं आनी। अगर आनी है तो दो पांव नहीं है तो भी उसका मन तृप्त है, शुक्राने में है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखने का नजरिया है बस, जिस दिन निज नजरिया बदल गया, नजर बदल जाएगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी कहानी इस मन की है ना, वाणी कहती है सुख दुख ये सब मन की व्यर्था, ये मन की अवस्था है बस, वही चीज है एक को सुखी कर रही है, वही चीज एक को दुखी कर रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मन की अवस्था है बस। दास ने कई बार एग्जाम्पल दिया, एक आदमी की ड्यूटी लग गई, ये बाहर की घटना, एक नॉर्मल बात ले लो, किसी की बॉम्बे जॉब लग जाए, यहां से 2-2.5 घंटे का सफर हो, उदास हो जाता है कि 5 घंटे दिन के मेरे वेस्ट हो गए। दूसरे से पूछा, वो बहुत खुश है कि मेरी जॉब वहां पे लग गई, 5 घंटे मिल जाएंगे, किस बात के मिल जाएंगे भाई? कहता है नेम करने के, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर में दुकान में नेम नहीं होता, 5 घंटे में कोई तंग करने वाला नहीं, 2.5 घंटे जाने के, 2.5 घंटे आने के, 5 घंटे का मेरा नेम बढ़ गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दोनों के लिए चैलेंज एक ही है, परिस्थिति एक जैसी है, पर मन स्थिति बदली हुई है। जिसके पास नाम है वो दुख में से सुख ढूंढ लेता है, जिसके पास नाम नहीं वो सुख में से दुख ढूंढता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन की अवस्था सुख दुख इस मन की व्यर्था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कितनी प्यारे ढंग से समझा रहे, कबहू तुरे तुरंग न चावे, कबहू पाए पनियो न पावे। आगे कबहू कबहू खाट सुखे दे सुआवे, कबहू पूम प्यार न पावे, पूम प्यार न पावे,
से बोलिए धन गुरु नानक। कब हूँ खाट सुपेदी सवावे, किसी के पास तो बहुत सुंदर पलंग है, ऊपर सफेद बिछौना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और नरम बिस्तर या सफेद चादर बिछी हुई है। कब हूँ खाट सुपेदी सवावे, वो उस पर सो रहे हैं गहरी नींद, और किसी के पास कबू कोम पैवर ना पावे प्यार। प्यार कहते हैं पराली को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पराली कहते हैं सूखी घास को, किसी के पास तो जमीन पर धरती पर सोने के लिए सूखी घास भी नहीं है कि वो बिछा के उसके ऊपर सो जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई ऐसे भी हैं, सब देखते हैं फुटपाथ पर सोए हुए हैं, कोई कहाँ सोया हुआ है, यहाँ पर तो शहर में सब देखते हैं, हर शहर में ये नजारा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कईयों को पलंगों पर नींद नहीं आ रही और कईयों को रास्ते में सोना पड़ता है, बरसात में भी ठंड में भी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे पंडित नामदेव, पंडित नामदेव एक नाम निस्तारे, जय गुरु मिले तह पारे उतारे। कितने कीमती पंक्तियां, कितने कीमती, ये सारे शब्द का सार, सारे जीवन का सार, सारे दुखों का इलाज है इस पंक्ति में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भनत नाम देओ एक नाम निस्तारे, फाइनल सॉल्यूशन बता दिया, भगत भनत नाम देओ एक नाम निस्तारे, जह गुर मिले तह पार उतारे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नाम ही है जो इंसान को सुख दुख में सम रख सकता है, ये ताकत बख्श देता है, जो गरीबी के डर और अमीर के अहंकार से बचाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अमीर में अगर अकड़ आ गई, अहंकार आ गया तो भी दुख है, और गरीबी में अगर नाशुकराना आ गया तो भी दुख है। दोनों हालतों से अछो रखने वाला, दोनों हालतों से बचाने वाला एक नाम ही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गरीबी में भी सुख देता है, अमीरी में अहंकार नहीं आने देता, अकड़ नहीं आने देता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राबिया जी का नाम सबने सुना है, राबिया हजारों लाखों मुरीद थे उसके, अनगिनत मुरीद, एक से एक धनवान सेठ भी उसका मुरीद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और राबिया की झोंपड़ी टूटी फूटी, उसके पास एक फटा हुआ तकिया, एक फटी हुई चटाई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और कुछ भी नहीं। एक राबिया का मुरीद राबिया से कहता है, एक बहुत ही आपकी ही कृपा से, आपकी नियामत से ही बहुत बड़ा अमीर बना है, वो आपको बहुत सारा धन देना चाहता है, ले लो, इतनी गरीबी में रहते हो हमें अच्छा नहीं लगता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा कीमती संदेश है इसमें, ध्यान से समझ ले कोई, बहुत गहरा और बड़ा कीमती संदेश है इस घटना में। राबिया को उसका मुरीद कहता है कि एक आपका ही मुरीद है, वो आपको बहुत सारा धन देना चाहता है, आप ले लो, इतनी गरीबी में रहते हो, ले लो ये धन, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा लो, आराम की जिंदगी जियो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़ ले साथ साथ में, रस आता है साथ। रज न कोई जीविया, रज न कोई जीविया, रज न कोई जीविया, रज न कोई जीविया, रज न कोई जीविया,
राज न कोई जीविया राज न कोई जीविया पुणे परवास से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। राबिया के पास एक चटाई, एक फटा हुआ तकिया, फटी हुई चटाई, टूटी हुई झोपड़ी। मुरीद कहता है, एक मुरीद है बहुत धनवान, वो आपको बहुत सारा धन देना चाहता है, बस आप ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमेशा मना कर देते हो आप, कितने लोग कितना धन लेकर आते हैं। एक रिक्वेस्ट है, बेनती है, आप ले लो, हमें इनसे नहीं देखा जाता, आप इतनी गरीबी में रहते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राबिया मुस्कुरा के कहने लगी, मेरी एक बात सुन, जिस अल्लाह ने, जिस खुदा ने मेरे उस मुरीद को इतना धनवान बनाया है, बड़ी ध्यान से सुनना साथ संगत जी, राबिया का ये बात बहुत ही कीमती है। जिस खुदा ने मेरे उस मरीज को और दुनिया के अनगिनत लोगों को धनवान बनाया है, वो मुझे भी धनवान बना सकता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस खुदा की खुशी उसे धनवान बनाकर है और मुझे गरीब बनाकर, उस खुदा की खुशी मुझे गरीब बनाकर है, मुझे भी धनवान बना सकता था। अब मैं मुरीद से धन लेकर खुदा से ये साबित करूं खुदा को कि तूने गलती की है मुझे गरीब बनाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये मेरा खुदा जाने कि मुझे धनवान क्यों नहीं बनाया, क्या पता धन के कारण मैं उससे टूट जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धनवान होकर उसकी इबादत ना करती, ये खुदा जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस खुदा ने उसे अमीर बनाने में अपनी खुशी समझी, मुझे गरीब बनाने में अपनी खुशी समझी। अब मैं किसी और से धन लेकर खुदा को ये शिकायत नहीं करना चाहती कि तूने गलती की है, उसके घर में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर मुझे गरीब बनाकर वो खुश है तो इस हालत पर, खुदा की खुशी पर मैं खुश हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मन की अवस्था ही तो है। जिसने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि अगर मैं गरीब हूं तो खुदा ने गरीब बनाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना शिकायत करते करते सारा जीवन बीत जाता है। मानता हूं ये बातें करना बड़ा आसान है, इसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल, हम नहीं कर सकते, पर ये नाम कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कहते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारी ताकत नहीं है, पर एक नाम पकड़ लो, भनत नामदेव, एक नाम निस्तार है, जह गुरु मिले तह पार उतारे, जिसे पूरा गुरु मिल जाए, जो नाम दे दे, गुरु नानक ने हमें नाम दिया है, वाह गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जय गुरु मिले तह पार उतारे, वाहे गुरु, गुरु मंत्र है जब हमें खोई, मूल मंत्र वाहे गुरु मंत्र, राम पकड़ लो, ये नाम है।
प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, जो जपेगा उसका निस्तारा हो जाएगा, वो दुख में भी सुखी रहेगा। देखने में दुनिया कहेगी ये दुखी है, पर अंदर से, क्योंकि सुख और दुख मन की अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बाहर से सुखी दिखते हैं लोग, अंदर आग लगी होती है। कई बाहर से दुखी दिखते हैं, अंदर चरित्र कला होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर एक अद्वितीय खुशी होती है नाम जपने वाले के भीतर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक नाम निस्तार है, नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, श्री गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज अपनी बाणी में फरमाते हैं, श्रवण कीजिए। आखण आख न रज्जिया, सुन न रज्जे कन, आखण आख न रज्जिया, सुन न रज्जे कन, अखी देख न रजिया, गुण गाहक इक वन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज बड़े अलग ढंग से समझा रहे हैं। जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उसी की विचार इस शब्द में भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि आखण आख न रजिया, ये मुंह बोल बोल कर नहीं रजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनना रज्जे कन, सुन सुन कर कान नहीं रजे। अखी देखना रज्जिया, गुण गाहक एक वन। सारे इंद्रियों के नाम लिए, कहते सारे इंद्रियां ग्राहक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसकी ग्राहक? रसों की। रस खरीदती जा रही है, खरीदती जा रही है, खरीदती जा रही है, परमानेंट ग्राहक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुण गाहक एक वन, ये सारे इंद्रियां रसों के अधीन है, उनकी ग्राहक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनका चस्का खत्म होता ही नहीं। आगे भुखिया भुख ना उतरे, भुखिया भुख ना उतरे, गली भुख ना जाए, भुखिया भुख ना उतरे, गली भुख न जाए, नानक भुखा तारजे, जा गुण कह गुणी समाए, नानक भुखा तारजे, जा गुण कह गुणी समाए, जा गुण कह गुणी समाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी कीमती पंक्तियां कह रहे हैं गुरु अंगद देव जी महाराज। समझा रहे हैं कि भूख मिटेगी कैसे। कहने समझाने से नहीं मिटती। भूखिया भूख ना उतरे, गली भूख ना जाए, कितना भी समझाओ इन्हें, बार बार समझाओ इन इंद्रियों को, नहीं मानते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कैसे मानेंगे? नानक भूखा ता रजे, ये भूख तब खत्म होगी, मन तब रजेगा। कैसे? जा गुण कह गुणी समाए, उस निरंकार के जो गुण है उसकी उस्तत कर, उन गुणों की, वो गुण तुझ में आ जाएंगे, और जब तुझ में आ जाएंगे तू निरंकार का रूप हो जाएगा, ये तृष्णा मिट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि निरंकार के अंदर, एक ओंकार के अंदर तृष्णा नहीं है,
नानक भुखा तार जय जा गुण कहे गुणी समाए। वो गुण का मालिक परमात्मा के गुण उचार उसमें लीन हो जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परमात्मा गुण क्या है, क्या है परमात्मा के गुण? एक ओंकार सारे एक ओंकार सत्यनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभ गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक नानक होसी भी सच प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निरंकार के गुण हैं। जब कोई मूल मंत्र जपता है ना सत्संग जी, एक छोटी सी बात मन में आ गई दास यहां पर बता दे, कईयों को रास्ता मिल जाएगा। एक बात समझ लेना, जब भी कोई गुरु से जुड़ता है ना शुरुआत में ये अवस्था नहीं होती। पहले इंसान या तो डर से या तो लालच से जुड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, पहले पहले बच्चे को लालच देते हैं ना भगत फरीद जी। फरीद जी भगत फरीद बने कैसे? पहले गुड़ का लालच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि शक्कर मिलेगी। मां रख देती थी शक्कर, शक्कर की वजह से, शक्कर के लालच पर वजह तो मां थे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मां ने सही रास्ता दिखाया, लालच दिया शक्कर का, जोड़ा खुदा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शक्कर के लालच की वजह से वो खुदा से जुड़े इबादत में, पर इबादत के ऐसा रस आया, ऐसी मिठास आई कि अब कहते हैं कि शक्कर खंड निवात गुड़ माख्यो माजा दूध सभ्य वस्तु मिठी रब ना पूजन तुध। ये अवस्था हो गई फरीद जी की। पहले क्या अवस्था थी कि नमाज पढ़ूंगा तो शक्कर मिलेगी, अब कहते हैं कि शक्कर हो दूध हो गुड़ हो कुछ भी हो सब कुछ मीठा है माँ, पर खुदा के नाम के जितना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले पहले जब कोई मूल मंत्र का अभ्यास शुरू करते हैं मन में यही इच्छा होती कि ये मिल जाए ये मिल जाए, डर दूर हो जाए, ये सब जायज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि अभी हम बच्चे हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे नेम बढ़ता जाएगा, तृष्णा से ऊपर उठा देगा गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूल मंत्र ने करना ही करना है, ये जो नेम पक्का कर लेते हैं इसका, दिन रात जपना शुरू कर देते हैं, हृदय में चलना शुरू हो जाता है, ये हर चीज से ऊपर उठाते जाते हैं हर चीज से। और एक दिन वो गुण, पहले तो हम गा रहे हैं उस निरंकार के गुण कि सब सामान मिल जाए, फिर एक दिन गाते हैं पाछा कुछ नहीं चाहिए अब तू आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ पाके देख लिया कुछ नहीं है, यहाँ से लोग अमेरिका चले जाते हैं पता नहीं वहां क्या है, वहां जाकर बोलते यहाँ तो कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे कई रिश्तेदार वहां बैठे हैं, सब यही कहते हैं कि जब तक वो चीज मिल नहीं जाती ना ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, जब मिल जाती है फिर लगता है कि क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि खाली एक चीज की बात नहीं, हर चीज में ये बात है, हर पदार्थ में यही बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसके ऊपर उठा सकता है केवल नाम 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 दे नाम 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 अपना नाम दे एक तो होता है कि भाई साहब गा रहे हम भी गा लें के नाम दे दो, एक होता है भीतर से आवाज जाए अच्छा सच में बस नाम की दात दे दे, समझ आ चुकी है किसी चीज में कुछ नहीं रखा, दुख ही दुख है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विण तुद होर जे मंगड़ा, कुछ भी मांग कर देख लिया तेरे सिवाय। सिर दुखां के दुख, बड़े से बड़ा दुख ही निकला है। दे नाम संतोखी, अंदर से पुकारे मन कि दे नाम वाहेगुरु, समझ आ चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब नाम की दात दे दे कि मन की ये भूख उतर जाए, ये तृष्णा की आग खत्म हो जाए। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरे मन की तृष्णा खत्म हो जाए। कृपा कर, तरस कर, नाम दे दे, मांगो। नाम 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 अपना नाम दे हो, नाम 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 अपना नाम दे हो, 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 नाम दे हो, नाम 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 अपना नाम दे हो, दे हो, नाम 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 अपना नाम दे हो, कृष्णा बुझे हर के कृष्णा बुझे हर के नाम, नाम 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 अपना नाम दे हो, नाम 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 अपना नाम दे हो, बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक मेहर करे। ये प्रकरण पुखिया पुखना उतरी जे बन्ना पुरिया पार, गुरु मेहर करे। जो एक एक पंक्ति हम सुन रहे हैं ना, मेरा मन करता है गुरु नानक तरस करते कि एक एक पंक्ति के साथ, ये पौड़ी कहते हैं ना इसे, पौड़ी पौड़ी सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ी को पंजाबी में सीढ़ी को पौड़ी कहते हैं, लैडर। एक पौड़ी है, एक पौड़ी हो गई, एक पौड़ी ऊपर चढ़ गए। मेरा मन है ये जो पंक्तियां आ रही है, हम एक एक पौड़ी ऊपर चढ़ गए। जब ये तृष्णा की प्रकरण खत्म, तृष्णा खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे तक की नहीं हो सकता, ये मांगो रोज पाछा, तरस कर। तेरी बाणी चल रही है, तेरी बाणी के विचार चल रहे हैं, तो तरस कर। अगर तृष्णा से ऊपर उठने का उपदेश दे रहा है, तू समझा रहा है, तो ऊपर उठाने की ताकत भी दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो कैसे मिलेगी? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
नाम अपना नाम दे नाम 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 अपना नाम दे नाम दे हो नाम 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 अपना नाम दे हो रजन कोई जीवया रज न कोई जीवया रज न कोई जीवया रज न कोई जीवया तमासे
सुखी वेख नारजिया बहुरंग तमाशे रज न कोई जीविया रज न कोई जीविया रज न कोई जीविया रज न कोई जीविया बरकत तेरे ना दी दाता जी साढ़े घर विच बरकत तेरे ना दी दाता जी साढ़े घर विच बरकत दाए मिठा दाता पाना तेरे नाम दा लेखा विच लिखिया दाना दाना तेरे नाम दा लगदा है मिठा दाता पाना तेरे नाम दा लेखा विच लिखिया दाना दाना तेरे नाम दा जनता दीरा सानू तेरे दर दी चौखट है जनता दीरा सानू तेरे दर दी चौखट तेरे ना दी दाता जी साढ़े घर विच बरकत तेरे ना दी दाता जी साढ़े घर विच बरकत तेरे ना दी दाता जी साढ़े घर विच बरकत कदे नहीं सी सोचया छोली विच सुख जो पा दिते नजर करम दी करके गेरा दे पाक जगा दिते कदे नहीं सी सोचया छोली विच सुख जो पा दिते नजर करम दी करके संगता दे पाक जगा दिते नहीं चुकना हुण दाता जी साढ़े सिर रखिया जो हक नहीं चुकना हुण दाता जी साढ़े सिर रखिया जो हत तेरे ना दी दाता जी साढ़े घर विच बरकत तेरे ना दी दाता जी साढ़े घर विच बरकत आसा ते उम्मीदां सानू तेरे तों ही दाता जी मिलिया जो भी अज तक सानू तेरे तों ही दाता जी नहर तेरी होई लगदा
ਪਾਵਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿਰ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय।
Oh,